सो हे गेमर्स, क्या हाल चाल है सभी के। यार गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि यार इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। बेसिकली यार हमारे इन गेम के अंदर 5th एनिवर्सरी का हाईलाइट्स आ चुका है, और गाइस इसके बारे में मैंने आप लोग कल की वीडियो के अंदर फुल डिटेल्स के साथ बता दिया था। और गाइस कल मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि ये जो टाइम लिमिटेड डायमंड स्टोर है, इसके अंदर जो भी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, जैसे कि होमर का कैरेक्टर हो गया, केंटा कैरेक्टर है, साथ साथ ग्लोअल का स्किन है, गन का स्किन है, तो गाइस ये सब रिवॉर्ड्स आप लोग को डायमंड से मिलेगा। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है भाई, ये जितने भी रिवॉर्ड्स हैं ना वो सारे के सारे आप लोग को बिल्कुल ही फ्री मिलने वाले हैं। अब गाइस कैसे वो मैं आप लोग को बताऊंगा। बेसिकली यहां पर आप लोग को एक डायमंड स्टोर के अंदर एक मिशंस देखने को मिलेगा, और मिशन कंप्लीट करने के बाद ये सारे के सारे फ्री के रिवॉर्ड्स आप लोग को मिलेंगे, जैसे ग्लोअल का स्किन और केंटा कैरेक्टर, होमर कैरेक्टर और जो भी गन का स्किन है, कटाना का स्किन है, ये सब आप लोग को बिल्कुल ही फ्री मिलेगा। अब गाइस कैसे वो मैं आप लोग को बताऊंगा वीडियो के आगे। और उसी के साथ साथ गाइस आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में एक मैजिक क्यूब मिलने वाला है। जी हां मेरे भाई, ये 100% कंफर्म हो चुका है। और मैजिक क्यूब कैसे मिलेगा वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और गाइस साथ ही साथ 5th एनिवर्सरी का एक छोटा सा इंटरफेस है जहां पर टाइमिंग चल रहा है, 25 घंटे 56 मिनट के बाद ये जो इवेंट है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को अभी से ही ओपन करके दिखा दूंगा कि भाई यार ये जो 5th एनिवर्सरी का इवेंट है वो दिखने में कैसा है, और गाइस इस इवेंट के अंदर हमें कौन-कौन से मिशंस देखने को मिलेंगे, और कौन से मिशन कंप्लीट करने के बाद कौन-कौन सा फ्री का रिवॉर्ड्स मिलेगा। तो गाइस यार वीडियो ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो चलो यार फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, एंड चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट जरूर से कर देना। भाई ने बोला करने का तो करने का। वेल गेमर्स, होप सो आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 5th एनिवर्सरी के मेन इंटरफेस के बारे में। तो गाइस देखो यहां पर काम डाउन चल रहा है, 22 घंटे 59 मिनट के बाद ये जो फाइनली 5th एनिवर्सरी का मेन इवेंट है वो ओपन हो जाएगा। और गाइस यहां पर आप लोगों को 4-5 इवेंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो इवेंट है वो हीरोज कैप्सूल है, दूसरा मेमोरी कैप्सूल है, तीसरा स्टाइल कैप्सूल है, उसके बाद बैटल कैप्सूल है, और उसके बाद मैप कैप्सूल है, ठीक है। और गाइस ये इतने सारे कैप्सूल्स आप लोग देख रहे हो, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं जो कि यार आप लोगों को 5th एनिवर्सरी इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोगों को कुछ ना कुछ मिशंस दिए जाएंगे, और गाइस मिशन कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को कुछ फ्री के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। अभी गाइस देखो साइड में यहां पर 22 घंटे 56 मिनट के बाद, मतलब कि कल सुबह के 10 बजे फाइनली ये जो इवेंट है वो ओपन होने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को अभी से ही ओपन करके दिखा देता हूं। गाइस अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, ऐसा इंटरफेस होने वाला है जब ये इवेंट ओपन होगा। और गाइस यहां पर आप लोगों को सबसे पहले लॉगिन रिवॉर्ड मिलेगा, दूसरे में नीचे में आप लोगों को FFXJB मतलब कि जस्टिन बीबर के साथ फ्री फायर और कोलैबोरेशन हुआ है, तो इसके अंदर आप लोगों को फ्री जस्टिन बीबर का रिवॉर्ड्स देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस देखो यहां पर आप लोगों को एक अर्थ टाइप का आइकन देखने को मिल रहा है, और गाइस यहां पर आप लोगों को साइड साइड में जितने भी रिवॉर्ड्स हैं, मतलब ये सब इवेंट्स हैं, ठीक है। और इन सभी इवेंट्स का ही नाम होने वाला है हीरोज कैप्सूल, मेमोरी कैप्सूल और स्टाइल कैप्सूल, बैटल कैप्सूल, मैप कैप्सूल, ठीक है। तो इन सभी इवेंट्स का ही नाम होने वाला है, और हर इवेंट के अंदर ना कुछ आप लोगों को मिशंस मिलेगा। जैसे कि अगर आप लोग हीरोज कैप्सूल पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और गाइस यहां पर आप लोगों को कुछ फ्री के गन स्किन मिलने वाले हैं, जो कि यार आप लोगों को डेली मिशन कंप्लीट करने के बाद मिलेगा। और गाइस यहां पर तो परमानेंट दिख रहा है, लेकिन भाई हमारे इंडियन सर्वर के अंदर परमानेंट मिलेगा या फिर नहीं वो तो यार कल इवेंट आने के बाद ही मैं कंफर्म बता सकता हूं। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा मेमोरी कैप्सूल, और इसके अंदर देखने को मिलेगा एक्सचेंजिंग स्टोर, जहां पर क्लासिक के अंदर आप लोगों को मिलेगा बैट का स्किन और कार का स्किन, और प्रीमियम के अंदर मिलेगा आप लोगों को फीमेल का बंडल और बाइक का स्किन। और गाइस उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टाइल कैप्सूल, और जैसे आप लोग स्टाइल कैप्सूल पे क्लिक करोगे गाइस आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, और बेसिकली यहां पर आप लोगों को 5 बंडल्स देखने को मिलेंगे। और गाइस ये 5 बंडल आप लोग बिल्कुल ही फ्री में ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आप लोग क्या करना होगा वो तो अभी हमें कंफर्म पता नहीं चला है, कल अगर इवेंट आ जाएगा मैं आप लोग कंफर्म बता दूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को इंटरफेस दिखा रहा हूं गाइस, ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। और गाइस उसके बाद आप लोगों को बैटल कैप्सूल देखने को मिलेगा, बैटल कैप्सूल के अंदर आप लोगों को यहां पर काफी सारे गन स्किन देखने को मिलेंगे, जो कि यार मुझे लगता है टेंपरेरी मिलने वाले, क्योंकि यार गरीना वाले ये तो हमें परमानेंट इतने सारे गन का स्किन नहीं देने वाले, तो मे बी यार मुझे लगता है आप लोगों को टेंपरेरी मिलेगा। तो देखते हैं यार ऐसा इंटरफेस आप लोगों को होने वाला है बैटल कैप्सूल का। उसके बाद गाइस आप लोगों को मैप कैप्सूल देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोगों को 20 अगस्त को हमारे इन गेम के अंदर एक नया मैप आने वाला है, आप लोगों को पता ही होगा। और गाइस मैप कुछ इस टाइप का होने वाला है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और गाइस इसी के अंदर आप लोग कुछ मिशंस देखने को मिलेंगे, मिशन कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को यहां पर कुछ फ्री के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस फाइनली मैंने आप लोगों को 5th एनिवर्सरी का मेन इंटरफेस दिखा दिया, और गाइस इतने सारे इवेंट्स आने वाले हैं हमारे 5th एनिवर्सरी के मेन इवेंट के अंदर, और साथ साथ आप लोगों को लॉगिन रिवॉर्ड भी मिलेगा। लॉगिन रिवॉर्ड पे आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में इमोट मिलने वाला है, जो कि 27 तारीख को सिर्फ लॉगिन करने के बदले मिल जाएगा। और गाइस जो इमोट है वो कुछ इस टाइप का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यार अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, वैसे ये वाला इमोट मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार दिखा दिया था। तो गाइस फाइनली ये इमोट कंफर्म हो चुका है कि आप लोगों को 27 तारीख को सिर्फ लॉगिन करने के बदले बिल्कुल ही फ्री में ये वाला इमोट आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस नीचे में आप लोगों को देखने को मिलेगा FFXJB मतलब के भाई जस्टिन बीबर का, इसके अंदर इवेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोगों को जस्टिन बीबर का जो जे वाइब्स का कैरेक्टर है वो आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री मिलने वाला है। जो कैरेक्टर है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, गाइस ये वाला कैरेक्टर होने वाला है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं, ठीक है। तो गाइस ये वाला जो कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर, ये आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री मिल जाएगा जे वाइब्स इवेंट के अंदर, ठीक है। फाइनली गाइस मैंने आप लोगों को 5th
एनिवर्सरी का मेन इंटरफेस वगैरह दिखा दिया। बाकी यार अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग उतना टेंशन मत लो यार, 22 घंटे के बाद ये जो इवेंट जैसे ही ओपन होगा ना कल 10 बजे, वैसे ही मैं आप लोगों को एक अच्छा सा वीडियो बनाकर बता दूंगा और आप लोग कौन से इवेंट को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे सारे मिशन कंप्लीट करने, सारा कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल गाइस मैं आप लोगों को सिर्फ ये इंटरफेस दिखा रहा हूं कैसा होने वाला इवेंट, मैंने आप लोगों को पहले ही सारा कुछ बता दिया। अब गाइस हम लोग बात करते हैं इस वाले 5th एनिवर्सरी के टाइम लिमिटेड डायमंड स्टोर के बारे में। तो गाइस देखो ये जो रिवॉर्ड्स है ना वो आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री मिलने वाला है। और गाइस ये जो डायमंड स्टोर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बेसिकली ये कोई मतलब ऐसा डायमंड नहीं है, ये एक पिंक डायमंड है। आप लोगों को याद होगा हमारे गेम के अंदर, अगर आप लोग एक ओल्ड प्लेयर होगा ना तो आप लोगों को याद होगा पहले वीडियोस देखने पे, मतलब वीडियोस यहां पर एक छोटा सा वीडियो आता था, वीडियो देखने पे हमें पिंक डायमंड फ्री में मिलता था, ठीक है। और पिंक डायमंड का एक स्टोर के अंदर ना कुछ रिवॉर्ड्स रहते थे जहां पर हम लोग पिंक डायमंड से उन सभी रिवॉर्ड्स को एक्सचेंज कर पाते थे। तो गाइस वैसा ही आप लोगों को होने वाला है, पिंक डायमंड जो है मतलब गुलाबी कलर का डायमंड रहेगा और गाइस उसे आप लोगों को मिशन कंप्लीट करने के बाद क्लेम करना है। जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो यहां पर आप लोग काफी सारे मिशन देखने को मिल रहे हैं और गाइस मिशन जैसे ही कंप्लीट करोगे ना पिंक डायमंड क्लेम करने का ऑप्शन आएगा और इसे आप लोगों को ज्यादा ज्यादा क्लेम करके कलेक्ट करके रख लेना है। और गाइस पिंक डायमंड से ही आप लोग केंटा कैरेक्टर और जो यहां पर होमर कैरेक्टर और फ्री का क्लूअल स्किन और गन स्किन और यहां पर यूएमपे गन स्किन वगैरह है ये आप लोग इजीली एक्सचेंज कर सकते हो, जी हां मेरे भाई। और गाइस स्टोर के अंदर ही ऐसा आप लोग ऑप्शन देखने को मिलेगा जहां पर आप लोग पिंक डायमंड को ज्यादा ज्यादा कलेक्ट करके रखोगे और पिंक डायमंड से आप लोग इजीली जो कैरेक्टर वगैरह है वो आप लोग इजीली यहां पर क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ग्लूअल का स्किन तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, गाइस ग्लूअल का स्किन कुछ इस टाइप का होने वाला है जो कि आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री मिलेगा, ये 5th एनिवर्सरी के थीम पे बेस्ट है। उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को होमर कैरेक्टर दिखा देता हूं, होमर कैरेक्टर आप लोगों को इन गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा और गाइस एक बार तो टॉप अप इवेंट के अंदर भी आ चुका है, तो होमर कैरेक्टर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। गाइस ये रहा हमारा केंटा कैरेक्टर, ठीक है। तो गाइस ये रहा हमारा केंटा कैरेक्टर, उसके बाद गाइस यार यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं होमर कैरेक्टर, ये रहा होमर कैरेक्टर, ठीक है। वैसे होमर कैरेक्टर मैंने अनलॉक कर लिया इसीलिए इसका ड्रेस नहीं दिखा रहा है, तो गाइस आप लोग होमर कैरेक्टर देख लेना, ठीक है। और ये होमर कैरेक्टर आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। तो गाइस इसी तरीके से होने वाला है, बेसिकली आप लोगों को पिंक डायमंड जो है मतलब ये जो डायमंड स्टोर है ये डायमंड स्टोर आएगा जहां पर आप लोगों को एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और गाइस यहां पर आप लोगों को एक मिशन देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप का और आप लोग मिशन कंप्लीट करने के बाद ये जो पिंक डायमंड है वो आप लोग कलेक्ट कर सकते हो और उस डायमंड से आप लोग इजीली इन सभी रिवॉर्ड्स को बिल्कुल ही फ्री में एक्सचेंज कर सकते हो। और गाइस हां कुछ बंदे सोच रहे कि भाई ये यूएमपी गन स्किन दिखने में कैसा है, तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो यूएमपी कुछ इस टाइप का देखने को मिलने वाला है विद एट्रीब्यूट्स, मैं आप लोगों को दिखाई तो नीचे में आप लोग एट्रीब्यूट्स वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं फाइनली फ्री मैजिक क्यूब के बारे में। गाइस काफी सारे बंदों का यहां पर क्वेश्चन था कि फ्री में मैजिक क्यूब मिलेगा या फिर नहीं और कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोग कंफर्म बताया भी नहीं था, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं ये है 5th एनिवर्सरी का हाइलाइट्स, 5th एनिवर्सरी का कैलेंडर अभी आना बाकी है और गाइस मुझे ना एक मिनी कैलेंडर मिला है जो कि अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे। और गाइस यहां पर देखो यहां पर है मैजिक क्यूब, जी हां मेरे भाई, तो 100% कंफर्म हो चुका है कि आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में एक मैजिक क्यूब मिलने वाला है। और गाइस मैजिक क्यूब जो है वो आप लोगों को 27 अगस्त को मिलेगा जो कि यार 5th एनिवर्सरी का पिक डे है, तो 5th एनिवर्सरी के पिक डे पे आप लोगों को सिर्फ गेम प्ले करना है और आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में एक मैजिक क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। अब कितने घंटे गेम प्ले करना है वो तो अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन हां आधे घंटे हो सकते हैं या फिर 1 घंटे तक गेम प्ले करना होगा और आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में एक मैजिक क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली गाइस मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर आपका अभी भी कुछ डाउट है 5th एनिवर्सरी इवेंट से रिलेटेड तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, गाइस उसका रिप्लाई देने का मैं 100% कंफर्म ट्राई करूंगा, ठीक है। और हां अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर।